तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कपिल इंस्टा व्लॉग्स में। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं गांव में और अभी यहां खेत के पास खड़े हुए हैं क्योंकि आए हुए थे यहां पे एक रील शूट करने। भाई अपनी भाई का आज धुले थे, एकदम चमका है भाई पॉलिश करके, तो यहीं पे इसका एक रील अलग से बनाने आए थे। बाकी इधर हमारे पांडे जी हैं, काफ़ी दिनों के बाद भाई हमारे पांडे भाई से मुलाकात हो रही है, जो कि अभी किसी कारणवश दुख में है। अब क्या दुख है, क्या परेशानी है पांडे जी के द्वारा कुछ सुनते हैं। काहे लिए दुखी हो आज, कुछ किस में दर्द है? सर में दर्द है। और ये हमारे निखिल भाई हैं और ये हमारे सौरभ भाई जी को जानते हो भाई, और ये हर्ष भाई जो कि अपना काम करके भी जा रहे हैं, और इधर ख्याति है जो कि मेरी छोटी ली मामी की लड़की है। व्लॉग में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बाकी भी यहाँ ही आए थे और अपनी बाइक का एक अलग से रील बनाए, वो होगा अपलोड। और बाकी आज भाई मेरी एक महिला मित्र की शादी है तो उसी के लिए आया हूँ। तो आज का व्लॉग कंटिन्यू रहिएगा कि भैया काफ़ी तगड़ा वाला व्लॉग होने वाला है। अभी जाएंगे शादी में, शादी में क्या कैसा सीन रहेगा पूरा आप लोगों को व्लॉग में कवर करके दिखाऊंगा। बाकी चलिए इन्जॉय करते रहिए व्लॉग को, और क्या। तो दोस्तों भी बाइक मैं घर पर जाके खड़े कर दिया हूँ और अभी आ चुके हैं नहर के साइड चल रहे हैं। तो अभी अगल बगल खेती है और सरसों की खेती की गई है और गेहूँ की, जो कि वाइफ भाई काफ़ी अच्छी आ रही है यहाँ की। भाई यहाँ की खेत की जो महक आ रही क्या ही बताया जाए। तो भाई मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत गांव की भी वाइफ दिखा दिया जाए कि गांव में क्या कैसा सीन है, खेती वगैरह का क्या माहौल है, कैसा नहीं, कैसा है कैसा नहीं। तो गेहूँ की खेती की गई फिलहाल एंड सरसों की, और भाई हरियाली तो गाँव में एक नंबर की है, और यहाँ की वाइफ तो भाई कुछ क्या ही कहा जाए। भाई शहर से बढ़िया तो अपना गाँव देसी बालक। बाकी सौरभ है, निखिल है और भाई पांडे भाई कहीं चले गए हैं, जैसा कि भी आप लोगों ने देखा कि उनकी कोई दिक्कत परेशानी थी वो हम लोगों के बीच में नहीं बया कर पाए, लेकिन अब क्या दिक्कत परेशानी है पांडे जी अगर दोबारा मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे एंड आप लोगों को भी बताएंगे। बाकी देख रहे हो क्या वाइब भाई, क्या वाइब, क्या अति सुंदर। और इधर सनसेट होने वाला है, और ये हमारे गांव का भाई बगीचा कहो बगिया कहो गांव की भाषा में, और जस्ट बगल में तालाब है, तालाब सूख चुका है और यहाँ पे उपरी वगैरह है जो कि गांव में होते हैं, सभी लोग जानते हैं भाई कि गांव में उपरी वगैरह क्या कैसा काम रहता है। इधर आम के सारे पेड़ हैं जो कि सौरभ भाई का है हमारा। तो सौरभ भाई अगर मेरे फैमिली मेंबर के जितने भी अगर कोई आम मांगेगा तो उनके लिए क्या ऑफर है, क्योंकि भाई सौरभ भाई हमारे बिजनेस भी करते हैं आम का। सौरभ भाई एक बार इधर देख लो, क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? भाई क्या महक है, और हमको बीच बीच में मटर भी दिख रहा है दोस्तों, लगता है सब छिपा के मटर बोए हैं बीच में। बाकी आ चुके हैं गांव के नहर पे, आज देख सकते हैं आप लोग छोटू सा नहर है जो कि किसान इसी से अपना खेत वगैरह सींचते हैं, और फिलहाल तो अभी नहर आ नहीं रही, नहर में पानी थोड़ा बहुत है जो आप लोग देख रहे हैं भाई। जस्ट बगल में तालाब है, तालाब भी सूखने के कगार पे है, थोड़ा बहुत पानी है। इधर सनसेट होने को है, फिलहाल अभी आए हैं घूमते हैं आप लोगों को दिखाते हैं, और अभी चलेंगे शाम तक महिला मित्र की शादी में, वहाँ भी इंजॉय कराते हैं आप लोगों को व्लॉग के थ्रू। बाकी एक हमारे भाई मित्र थे रुद्राक्ष भाई, जो कि वो भी कह रहे थे आने को लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो भाई अगर व्लॉग देख रहे हो तो खुद ही देख सकते हो भाई कितना हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, अगर तुम आते तो इसका इंजॉय डबल हो जाता। बाकी नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे गांव साथ में, ठीक है ना, तो डोंट वरी ओके। वहाँ पे भाई हमारे पांडे भाई आ चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं पांडे के साथ राज भी है, आप लोग देख रहे होंगे भाई वो आ रहे हैं दोनों लोग रेड जैकेट में, दोनों भाई रेडी रेड पहने हैं। बाकी इधर बच्चों का मैच हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा मैच को आप लोग को इंजॉय कराते हैं गांव का। बच्चों का मैच देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, खेलने का मन कर रहा है। और उधर हमारे मोंटू भाई बैठे हुए हैं, एक्सक्यूज मी सर, हेलो। हमारे निखिल भाई मैच का लुत्फ उठाते हुए बैठ के आराम से बच्चों का। इधर हमारे पांडे भाई आ चुके हैं, पांडे भाई कम हियर। हमारे दर्शकों को परेशानी बता दो, तुमको परेशानी क्या है आज?
मूड पिरा रहा है। डिसिप्लिन खा लो ना उसके लिए। खाए तो है डिसिप्लिन। अब बाकी यहाँ पे सभी बच्चे लोग अपना मैच खेल रहे हैं, उधर हमारे राज भाई आ चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पांडे के द्वारा भी बॉलिंग की जा रही है, अभी हम लोग भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इधर पांडे बॉलिंग कर रहे हैं और इधर हमारे सौरभ भाई खेल रहे हैं। देख रहे हैं भाई एकदम नो, क्या इसको क्या कहोगे आप, मतलब क्या कहना चाहते हो? हाई बॉल। हाँ हाई बॉल देख सकते हैं, हाई बॉल का ये बॉल को आप क्या कहेंगे? हाँ आप क्या कहेंगे? नो बॉल फ्री। सौरभ भाई द्वारा क्या कहोगे इस बॉल को? ए मुत्ता मुत्ता लो मुत्ता या कुकुर मुत्ता या हेल गुएल गुएल के का कहें मुत्ता या कुकुर मुत्ता या। अब तो दोस्तों भी घर पे आ चुके हैं और भाई टाइम हो चुका है 7:30, तो अभी चलते हैं तैयार होते हैं। और अभी हमारे साथ भाई हमारे पांडे जी हैं हमारे रूम में, हमारे इधर सौरभ भाई हैं, तो अभी चलते हैं तैयार होते हैं क्योंकि भाई टाइम हो रहा है। तो देखते हैं क्या कैसा सीन रहता है, फिलहाल अभी यही चलते हैं तैयार होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन लिए हैं, सौरभ भाई गए अपना, वो लोग भी अपना कपड़ा पहनने। बाकी देख सकते हैं मिरर में कुछ इस तरह है, बाकी बिस्तर देख सकते हैं कितना बिखरा हुआ है, और इधर हमारी ख्याति भी आ चुकी है देख सकते हैं। तो भाई जो भी व्लॉग है थोड़ा बहुत अपनी ख्याति से शूट करवाते हैं, भाई फ़ोन उसी को पकड़ा देते हैं। बाकी अब चलते हैं बेल्ट वगैरह लगाते हैं, ब्लेजर पहन तो चलते हैं डायरेक्ट एंजॉय कराते हैं आप लोगों को शादी। दोस्तों भी ब्लेजर पहन लिए हैं और हमारे बीच हमारे सौरभ भैया भी आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे जो पिछले साल गए थे माघ मेले में, हम भी इंजॉय किए थे इनको, आप लोग देखना भाई झूले में इनका क्या हाल हुआ था पिछले साल वाले माघ मेले में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी सौरभ भैया अब इन्हीं की शादी का वेट है गाइस, इनके शादी में तबाही मचानी है। बाकी तब ब्लेजर पहन लिया हूँ, अब चलते हैं डायरेक्ट शादी में। ये क्या एक बार हाय बोलो सभी। हाय गाइस। दोस्तों भी हम लोग जा ही रहे थे तो हमारी ख्याति के द्वारा इंट्रो बताया जा रहा है कि भाई इंट्रो कैसे किया जाता है। और आशा करते हैं तुम अच्छे हो। और बोलो और क्या बोलो, डू लाइक सब्सक्राइब शेयर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट आइकन भी दबा दें, बेल आइकन भी दबा दें, दबा दिया जाए। तो फिलहाल इसके लिए इतना ही आज के लिए, तो चलते हैं अब सीधा शादी में। तो दोस्तों भी गेस्ट हाउस के बाहर पहुंच चुके हैं सागर गेस्ट हाउस से, जो कि मेरे महिला मित्र का ही है। बाकी हमारे यहाँ भाई मिल चुके नागेंद्र ठाकुर, जो कि भाई हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे जूनियर थे हमारे स्कूल लाइफ में। तो भाई चलते हैं एंजॉय करते हैं मतलब। तो बाकी गेस्ट हाउस मेरे महिला मित्र का है, बाकी चलते हैं आपको शादी एंजॉय कराते हैं। अंदर आ चुके हैं हमारे मित्र, यहाँ पे सत्यम भाई मिल चुके हैं जो कि हमारे क्लासमेट थे भाई, हम लोग क्लास 6 से ही भाई बैक वेंचर हैं, जो कि हमारे प्रिय मित्र हैं एक सत्यम पांडे। और अभी यहाँ ये सकौड़ों का लाभ उठा रहे, मतलब खा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो आपको कैसा लग रहा है अपने महिला मित्र के शादी में आके? बस कम है, बस बेचारा, बस बस, वही।
बात हो गई। क्योंकि तुम